हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे आटे में एक रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बनाकर अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इस तरह से देंगे तो वो कुछ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी टेस्टी लगती है, इसे ही हम खा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप आटे के बहुत बार डोसा खाए होंगे, लेकिन इस तरह से कभी नहीं खाए होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम एक कप आटा लेंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ हमें नहीं डालना है। अब हमारा बैटर एकदम बनकर रेडी हो गई है। हमारा बैटर इस तरह से ही होना चाहिए। अब हम एक तवा का रख देंगे गर्म होने के लिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर एक टिश्यू पेपर में हम इसको अच्छी तरह से चारों तरफ हम लगाकर हम इसको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम गैस के फ्लेम को एकदम लो करके हमें इस तरह से बैटर डालना है। धीरे धीरे करके हमें इस तरह से घुमाकर आप जितना बड़ा या जितना पतला चाहते हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली ही निकल जाती है। आप इस तरह से जितना पतला चाहे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली ही निकल जाती है। देखिए, जब ऊपर थोड़ी सी सूख जाए इस तरह से, फिर हम दूसरे साइड को पलट देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। अब दूसरी साइड भी हो गई है। अब हम इसको भी पलट देंगे। देखिए, थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इस तरह से दोनों साइड के थोड़ी सी ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब ये रेडी हो गई है। अब हम इस तरह से सारे बनाकर रेडी कर देंगे। और एक में बना रही हूँ इस तरह से। पहले हम लो फ्लेम में इसको इस तरह से डालेंगे, फिर मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। जब ऊपर थोड़ी सी सूख जाए हम इसको धीरे धीरे करके पलट देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से हम चारों तरफ घुमाएंगे। इसके बाद जब दूसरी साइड भी थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाए तब हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड को थोड़ी सी ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए, अब दूसरी साइड भी हो गई है। दूसरी साइड को हम अच्छी तरह से भी सेक लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड को अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए, अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे। अब इस तरह से हम सारे बनाकर रेडी कर देंगे। और एक मैं बना रही हूँ, इस तरह से ही हम बनाएंगे। पहले फ्लेम को लो करके डालना है, इसके बाद थोड़े से हम मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में ही हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। जब ऊपर थोड़ा सा सूख जाए हम इसको निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाते हैं। पलटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से हम फैलाएंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड को पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर ये रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम आप लोगों के लिए कितने प्यार से, कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए अगर कोई रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब ये भी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। दोनों साइड अच्छी तरह से ब्राउन कलर के हो गई है। देखिए, हमारे जो चिल्ला और या फिर दोस्ता आप जो भी चाहे कह सकते हैं, बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है और इतने सॉफ्ट बने हैं, आपके बच्चों ऐसे ही खा जाएंगे। आप इस तरह से बनाकर अपने बच्चों को लंच में दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइए, बनाकर कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप एक बार बनाएंगे तो भी जानेंगे कि ये कैसे लगती है। एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आपको कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय।